मैं सबसे पहले तो आप सपन बहुत अपन दिलल बहुत तमोर सपन को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि यार ये तो ठंड पड़ रही, ये तो हिम पड़ रही, ये तो हॉल लग रही, लेकिन ये तो थोड़ी संख्या में सब आ रहे थे। मैं तुम दुई हाथ जोड़ बैठ सपन में अपन प्रणाम करना, बहुत धन्यवाद करना। अल्लाह ये अजय टमका जी ने बोले और अमर किसान दाल ने बोले, आज पूरे हिंदुस्तान जब बेटे नरेंद्र मोदी जी देशा प्रधानमंत्री बने, हर क्षेत्र में तरक्की हो रही, हर क्षेत्र में देशो मान सम्मान स्वाभिमान पूरी दुनिया में बढ़ रही। एक तरफ आज चुनाव में एल चुनाव दो प्रकार का लोगों का बीच में छ, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी छ और हम सब लोग छ, ये मध्य में जो बस रहे हैं प्रदेश में जो सरकार छ भारतीय जनता पार्टी छ और नरेंद्र मोदी जी छ। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में अगर हम रोडन की बात कर लो तो रोडन का चारों तरफ जाल बिछ गया। यहाँ बेटे तो वहां पिथौरागढ़ झनमला, पिथौरागढ़ बेटे टनकपुर जला और टनकपुर बेटे अगर अगिल के दिल्ली की ना जला खटी मातर पर बेटे, यहाँ बेटे मैं चुनाव में खड़े रहे वह अगिल के जला तो रुद्रपुर, रुद्रपुर बेटे रामपुर, रामपुर बेटे दिल्ली या रुद्रपुर बेटे काशीपुर जला, काशीपुर बेटे हरिद्वार या देहरादून। अगर आज बेटे पांच सात साल पल्ली अगर पांच सात साल पल्ली अगर हम वो रोडन की स्थिति के बारे में अगर विचार कर लो, थोड़ा अगर हम सोच लो तो हमन खुदा पत्तो लग जाओ कि जब बेटे मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब बेटे कतो सुधार होगी। चारों तरफ हाईवे बन गया, अब पिथौरागढ़ बेटे टनकपुर जहन में पल्ली जो है आठ घंटा दस घंटा लग रही है और आज तीन घंटा चार घंटे में टनकपुर बेटे पिथौरागढ़ पहुंच जाऊंगे, साढ़े तीन में पहुंच जाऊंगे, खत्म हो पहुंच ना जोरल बोल और मैं नंचना की याद छ, जब मैं नानो छू छह सात सालों तो खटीम बेटे मैं हड़दल उन में तो हड़दल उनमें रत्तनी पांच बजे वो बेटे गाड़ी चलती और बोले टनकपुर भागी चौरा गाड़ी चले गए। हेलो मैं बनते तो कुछ तो कभी दस घंटा कभी बारह घंटा लग गया मुझे और आज तीन घंटा चार घंटा में हम पूछेंगे रक्त नहीं बेटे। मैं याद से कि जब यहाँ कभी जात होंगे कभी यहाँ हरबल में मेल होंगे कभी वहां छड़ंदेव में मेल होंगे, अल्लाह पिपली वाल मिले ना हम भट्टी को चल जो मैं बाबन का मैं उन मिज्जू से हूँ पिपली वाल आ गया वो पिपली वाल यू आ गया। मैं इधर घर ले जा रही हूँ आप पिपल में तो रक्त नहीं उन भैया हम रात में डाल के खटिन बैठे टनकपुर रेलवे स्टेशन में और रोडवेज बस स्टेशन में और रात भर वही के बिछुन खिना लेन भैया अपन बिस्तर स्तर और अब तक चार बजे उठ गए पांच बजे गाड़ी में बस गए तब हम बारह घंटे में तेरह घंटे में यह पूछे और अब मोदी जी के जमाने में चार घंटा और ज्यादा ज्यादा पांच घंटे में यह पूछ गया बता परिवर्तन बिछे ने वे बदलाव बिछे ने वे। अब हवाई सेवा के नाम बहुत सारी चीज हम व्यवस्था कर रहे हैं पिथौरागढ़ जो नैनी से हवाई पट्टी से ये हवाई पट्टी पूरा डीपीआर बन गया है, पूरा तैयारी हो गया, एस्टीमेट बन गई और जल्दी ये हवाई पट्टी हमारे काम करने लगे और तब तम सब लोगों पिथौरागढ़ बेटे देहरादून जला या दिल्ली जला या देश में काले जला उन वाले समय में हमारी कोशिश से कि पूरा देश भर में जनक व्यवस्था हमारे यहाँ पिथौरागढ़ बेटे हो जाए। रेल बिना हमारी अजय टंडा जी बस रहे रेला क्षेत्र में टनकपुर बुटे बागेश्वर रेल लाइन बन रहे और कतुक साल हो गया तीस चालीस साल बुटे लगातार लोग जो है उसमें संघर्ष करो मच्छर एक बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन संघर्ष समिति ने बन रहा है कई लोग तो मैं है आज हमारे बीच में रह लेना गया उन जीवन समाप्त होगी
लेकिन कै सरकार पर ध्यान न दी, वो रेल लाइन खिला ले आज पूरी अगर तैयारी कह ले कर रही, वो कि पैसा अगर जारी करे ले तो बोले हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 करोड़ रुपए जारी कर लेना ब्रॉड गेज में, वो सर्वे काम शुरू हो गई उन वन समय में। यू रोड जो जम रहे हमें यह बटे धारतुल तक जा लिया और धारतुल बटे फिर कैलाश मानसरोवर तक गया, ये रोड किनारे जो है हमारे जो सड़क परिवहन मंत्री जी गडकरी जी उन्होंने ये रोड के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी। लिपू लेक तक जारी रोड, लिपू लेक तक रोड पूछ गए, ए तरफ बटे ओ तरफ कुमाऊं बटे गढ़वाल, गढ़वाल बटे कुमाऊं मैदान बटे पहाड़, चारों तरफ रोडों को जोड़ों काम, चाहे वो ऑल वेदर रोड हो चाहे वो भारतमाला श्रृंखला रोड हो। और अब एक अलग नया बजट में जैसे भारतमाला में रोड जोड़ना उससे अब एक पर्वतमाला ने निकाला ली जतुगले हमारे ठूल ठूल मंदिर सन ठूल ठूल जागा झनक जाग रोड न बन सकनी, वहां सब रोप वे बना और पर्वतमाला जो प्रोजेक्ट है वो पर्वतमाला प्रोजेक्ट के थ्रू वो जोड़ना काम हो। जैसे हमारे यहाँ ध्वज खंडे नाथ है, अजीत का ध्वज खंडे नाथ झनक नाले, हम ये पर्वतमाला जो प्रोजेक्ट सब माननीय प्रधानमंत्री जी जो नया बजट आयल दी रहा है वो बजट में इस प्रकार जो जतुगले स्थान सन उन स्थान जोड़ने की व्यवस्था हो गई। ध्वज खंडे नाथ में धर्मशाला के लिए बिसंदा पैस दिए थे राजा विनोद कांजे, वो अभी दिया था हमें, वो बर्मा वाला लिए मैच था केस की वहां कितना धर्मशाला बनने से वहां टेंडर लागी हुआ। तो हर जगह जगह की आंख में बहुत चीज चाहे मड़मालने से बटकेश्वर से मरमालने बटकेश्वर पंपिंग पर योजना एक लिए टेंडर होगी, गरखा पेयजल योजना के लिए टेंडर होगी, चंडिका घाट से बुंगा छिन्ना पेयजल योजना एक लिए टेंडर होगी, मरमालने में मिनी स्टेडियम, रसापाटा में मिनी स्टेडियम, नारायण नगर में मिनी स्टेडियम, एक सपन का पैसा आ गया, सपन का पैसा आ गया, सपन का टेंडर लग गई और चुनाव के बाद इन सब जो है सब काम पूरे हो जाए। और मैं बहुत सारा काम किया, पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज बनू बड़े आए, मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में बनू बड़ी, इधर पहले मेडिकल कॉलेज उधर पहले मेडिकल कॉलेज, यहाँ बेटे हवाई सेवा ले और पूर्व कुमाऊं क्षेत्रों आप दिल्ली तो जान पड़ कैसे इलाज कर उनके ना, अगर एम्स एक सुविधा चाहिए तो उन वाल समय में ये सुविधा हमन जो है यही रुद्रपुर में मिले वाल से, यहाँ बेटे तुम टनकपुर जला टनकपुर बेटे एक घंटा में रुद्रपुर पूछ जला, तो बढ़िया सड़क हो गए और वहाँ एम्स एक जो दिल्ली में सुविधा जान में कई बार हम वहाँ बेड मिलो न मिलो वहाँ बुकिंग होली न होली वहाँ हमारे इलाज हो पालो न हो पाल, यो हमारे मन में तमाम सिफारिश लगना के बाद ले वहाँ लाइन में लगना के बाद ले यो व्यवस्था हमारे मन में हो पाते, लेकिन अब उन वाल समय में यो व्यवस्था हमारे यही उधम सिंह नगर में किच्छा में होने वाली सारी सुविधा यही मिलने वाली है। एक अलावा क्योंकि मेरे मन में बोलने की ना बहुत चीज है, मैं यहाँ एक एक गांव घूम रही हूँ एक एक जगह जा रही हूँ नाम से ना बेटे मैं पैदल यही हो रही हूँ, आज मैं लिया उन्हें उन सपन का पल्ली यहाँ माट अपन महात्मा लगाया और पुष्कर धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आज मैं माता पिठा लगाया थे वो मैं एक ले लगाया कि यू माट जब मैं पैद हो रही हूँ मैं मातृभूमि छ मातृभूमि जन्मभूमि और ये पार्टी भी मेरी मारी एक माँ छ, इन सपन ले मैं हमेशा हर दिन बड़ोमा काम करी, आज मैं अपने सपन के बीच में आ रही हूँ, पांच महीने में मुख्यमंत्री रूप में मैं काम करी और पांच महीने में मैं कोशिश करी जो मैं एक माट में पैद हो गई हूँ मैं 500-700 फैसला लिया हमें सब ले लिया ले बिसंदा ले हमारे दगाल का जो सयान आदिम ले जो अगिल के ले चाइना सयान आदिम हमने पुष्कर धामी जिंदाबाद 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 बिसन जिन चौपाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो एक सयान आदिम चाइन से ना चाइन दगाल में तो ये नया वाला उनका बीच में एक सयान आदिम चाइन
तो जतुग ले जो हमारी योजना बना रखे ने हर गांव तक सड़क जाए, हर गांव पानी की व्यवस्था हो, हर जगह इंटरनेट लगा लो। और 2025 में जब यू राज्य हमारे 25 सालों को एल हमारे राज्य 21 सालों से, और जब ये 25 सालों बोल तो यहाँ सब जगह जो पलायन हो रही, जग जग बेटे लोग नौकरी तलाश में है, दिल्ली जनान, बंबई जनान, अपन घर बेटे बिहार जनान। हमारी कोशिश है कि उन वाले समय में उन्होंने घर में उनरा गांव में वही उन्होंने रोजगार मिलो, वही उन्होंने काम मिलो, हर क्षेत्र में वही उन्होंने स्कूल मिलो, वही उन्होंने अस्पताल मिलो, सारी सुविधाएं उन्होंने वही मिलो, रोजगार मिलो। अगर ये सब हो जाओ सब हमारा पलायन ले रुक जाओ, रोजगार वाले जो बात से बेरोजगारी पूरे समाप्त हो जाए। एक ना हमें एक बहुत फुल प्लान बना रहे, ये तो हमने फैसला लिया ना, और सब फैसला हमें धरातल पर उतार रहे। एल हमें आंगनबाड़ी बहनन से उन्होंने मानदेय बढ़ा, उन्हें पंखा बढ़ा, आशा सन उन्हें मानदेय बढ़ा, हमारा उपनला कर्मचारी सन उन्हें मानदेय बढ़ा, भोजन माताएं सन, ईआरडी जवान सन, उत्तराखंड आंदोलनकारी सन, हराम ग्राम प्रधान सन, उप प्रधान सन, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत सदस्य, सपन को हमें मानदेय बढ़ा। यो फैसला इन्हीं में जो विसंधा को 700 फैसला सन, उन्हें 700 फैसला में इन फैसला लिखा। एक अलावा एक काम है कर रहा हूं, जब तुम ले हमारा आमा बुबू सब आ रहे हम उन्होंने बतून चाहो कि पल्ली जो पेंशन थी ना, विधवा अवस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, ये पेंशन 1200 रुपए मिलेंगे, अब हमें उन्होंने 1500 करे लें। जो तनख्वाह ने बढ़ा ली और क्यों तनख्वाही ने बढ़ाई, अब घर में द्विछा आमले थे, बुबले थे, अब बुबू तनख्वाह मिलन भाई आमा मिलन ने भाई, दुई ने लड़ाई उनके घर में। कभी कभी बुबू जो है पूरी पेंशन ले आवे वो सब सड़क कर जाएंगे, आमा के मिलने ने भी अब हमें कि अमा बुबू अब तुम लड़ाई करने की जरूरत न है, तुम्हें लड़ाई में खत्म करना कि ना आ रही हूं। जैसे हर सेक्टर में हमें लड़ाई खत्म कर ली, सब जगह बीचों का रास्ता निकाल ली, बीच में बाट निकाल गए, जब बाट न थे वाले बाट निकाली, एमएलए हमें बाट निकाल ली, अब पेंशन दुई ने मिले, अब हमारे मिले सबूले मिले। तो एक कत्तु काम सनम में तो कामन गिनो लो, मोदी जी बात गिनो लो, ये विसंधाक बात कर लो, तो ये बहुत लंबो हो जाओ। और अब मैं यहाँ बैठे जान से पिथौरागढ़ बैठे, फिर देहरादून जान से वाले पिथौरागढ़ में कार्यक्रम से, पिथौरागढ़ बाद देहरादून में दो कार्यक्रम से, आज रात हो जाएंगे से, बहुत रात हो जाएगी। तो मैं आज तुम्हारे बीच में केवल एक बात सुना कि ना आ रही हूँ, अब 14 फरवरी में जब दिन जाते हैं ये चुनाव जो है, ये चुनाव को इसने देखो कि पहले कहे इतना वोट डाल दी, कहे कि उठकर वोट डाल दी, जाए जाए मन पड़े वहां वोट डाल दी, इस बिल्कुल न भी चुनाव। चुनाव एक महायज्ञ भी हमारा, जैसे हम कन्यादान कर लू, पाठ कर लू, पूजा कर लू, तो हम बिल्कुल नानू धोनू भगवान नाम लेना शुद्ध मनल जाना, उससे ये चुनाव ले भी। चुनाव में हम अपनी सरकार चुनना, और एक ये सरकार 5 साल की नहीं है, और कैंडिडेट ले चुनना। जैसे अब हम कन्यादान करना है, तो कन्यादान करना है हम क्या मंगजुंगिया करने जाना ना, मंगजुंगिया तो बोलो की कुरान वीरेंद्र जी की कुरान मंगजुंगिया में ना, तो अगर क्या कैसे हम खोजना जानू, जब चेली का हम ब्याह कर लू तो थोड़ा पत्तो कर लू ना, ये क्यों लुकस छ, ये जो होनवाल जमाई छ, ये बर ठीक छे ना छे, क्या बीड़ी सिगरेट पीछे शराब तो न पीनो है, जुआ तो न खेलो है, शराबी कबाबी तो ना थी, गुंडा बदमाश तो ना थे, सब पूछताछ करना ना करना पड़ी, तबे तो हम कन्यादान करना बता कर है? वो
भी बोलते हैं उसे। तो जब हम ठोक लेना, बजा लेना, ठीक कर दे पत्तों कर लेना, तब हम कन्यादान करना ना अपने चेले चेले को, बहनी को, नातनी को, भांजी को, भतीजी को, जब ठीक कर दे पत्तो हो जाए उनकी यो ठीक छ, उसे मतदान ले लो। और तो चलो हमें इस पार्टी को मतदान कर दी, जो पार्टी जो है हमारे वोट तो ले ले, लेकिन पता चला वो चीन नगर मिल जाए, पाकिस्तान नगर मिल जाए, उन्होंने वोट दे करके फैल गए। ये तो 60 साल तक उन्होंने वोट दिए हूं, अब तक उन्होंने वोट दिन में आ रहे हैं हम। दूसरी पार्टी का पता चलो वोट ले दे दियो के भेड़ लेना है खाली खेत दियो का भेंगे खेत दियो या का कूड़ा डालने खेत दियो। तो वोट वहां दिन चाहे जब बेटे यहां के लिए विकास हो, क्षेत्रों के लिए विकास हो, विधानसभा के लिए विकास हो, प्रदेशों के लिए विकास हो, और सही जग जा सही आदमी जो है वह ठड़ी रहो और सही आदमी जितुला जतुक ले जो योजना छन उन योजना ठीक हो। अगर आप सब लोग एक तरफा वोट दिला तो ये एक एक वोट ये मोदी जी झाल जो रात दिन पूरे देश की ना लग जाए तो एक एक वोट मैं यहां पैद हो रही हूं, यहां मिट्टी में मैं ठुल हो रही हूं, यहां मैं दर्द छ, मैं यहां पहचान छ, तमोर एक एक वोट ये बिसंदा जी दिला वो वोट मैं मिलू। और मैं तुम भरोसा से ये बार यो बिसंदा जीत पूरा बार बेटे पूरा बार बेटे पूरा बार बेटे पन्नी बार बेटे ये बार बेटे जब हो जाए और सपन अड़ोस बोलान पड़ोस बोलान जानने वालान पहचान वालान सपन सारा बिरादरन रिश्तेदारन सपन तक पहुंच कि पल्ली वोट हाल कर आए तब बात करे। और लक्ष्मी जी जून सन लक्ष्मी जी आल तब सब काम होल यहाँ रोड ले बना लो, उत्तराखंड को विकास ले हो लो, कनाल शिमला के लिए विकास हो, डीडीआर लोग के लिए विकास हो लो, हमारा पिपली के लिए विकास विकास हो, छड़मजो के लिए विकास हो, बारमो के लिए विकास हो, चारों तरफ रसाई पाटा बिटे जदू के लिए हमारे यहाँ पहुंच है मन मान लिये बिटे ये तरफ बिटे वो तरफ सब जो घाटों के लिए विकास हो, मूलकोटों के लिए विकास हो, ये विकास तब हो जब लक्ष्मी जी आल। और लक्ष्मी जी क्या मैं उन्होंने पुत्र सही लक्ष्मी जी ना हाथक पंजे में होना ना लक्ष्मी जी साइकिल में होना ना हाथी में होना ना झाड़ू में होना लक्ष्मी जी कमला फूल में होना। तो कमलो फूल वाल बटन दबून छ और जब 10 तारीख एक रिजल्ट निकलू तो मैं देहरादून में हूं वो दिन। और देहरादून में मैं इतो खुशी हो जब मैं पत्तो चलल कि मैं यहाँ सभा कर बे आई हूं और मेरा जन्म स्थान वाला लोगों ने एक तरफा कम लोग फूल दबा रहे और मैं पूरा विश्वास है कि आप सब लोग कम सब लोग एक बार भारी बहुमत है एक तरफा वोट कमला फूल में दिला बिसंदा जिताला मैं जिताला मोदी जी जिताला। इतने इतने निवेदन करना है कि ना मैं तुम्हारे बीच में आ रही हूँ
और मैं बता रहा कि यह ग्रीप में जो लेबर हटा रहे हैं उनको उन्हें दोबारा जल्दी रखा जाए, उन्हें फिलहाल हम बात कर ला। इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। मैंने भी सब्सक्राइब किया है, और अगर अभी तक आपने नहीं किया फटाफट से कर